रेलवे रोड के अंबेडकर भवन कालका में सेवा प्रकोष्ठ ने दूसरा निःशुल्क लाभार्थी कैंप का आयोजन किया। सेवा प्रकोष्ठ की ओर से दूसरा निःशुल्क लाभार्थी कैंप का आयोजन रविवार को रेलवे रोड अंबेडकर भवन में लगाया गया था। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक तरसेम गुप्ता की ओर से यहां दूसरी बार कैंप में 500 से भी अधिक कालका शहर की जनता ने लाभार्थी योजनाओं में भाग लिया और इन सरकारी योजनाओं के तहत फॉर्म भरे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता सौरव गुप्ता के अलावा भारत भूषण मित्तल, निरुपमा शर्मा, चंचल सब्रवाल, प्रदीप पुरी, अजय अग्रवाल सहित दर्जनों भाजपा वर्करों ने भी इस कैंप में आकर पूरा सहयोग दिया। इस निःशुल्क लाभार्थी कैंप में केंद्र और हरियाणा सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी और लाभकारी स्कीमों का सीधे सीधे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पर कालका मंडल संयोजक ओंकार सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, भाजपा सेवा प्रकोष्ठ विधानसभा कालका के संयोजक प्रदीप पुरी सहित अन्य टीम ने यहाँ भाग लिया। समाजसेवी एवं भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद तरसेम गुप्ता ने यहाँ आए हुए मेहमानों को दुपट्टा पहनाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। यहाँ लगाए गए दूसरे लाभार्थी कैंप में ई श्रम कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पेंशन संबंधी योजनाओं, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, शगुन योजना का लाभ देने के लिए आए हुए कैंप में लोगों के फॉर्म भरे गए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व पार्षद भाजपा वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता और सौरव गुप्ता की ओर से कालका और पिंजौर शहर में इन दिनों भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और कैंप लगाए जा रहे हैं। आज हमने सेवा प्रकोष्ठ की तरफ से दूसरा कैंप लगाया है। पहला कैंप लगाया था हमने अपने वार्ड नंबर 11 विश्वकर्मा कॉलोनी में। अब ये कैंप के अंदर हमने कालका के 3 से 4 वार्ड कवर किए हैं, जैसा कि हमारा पहले से प्लान है पूरी नगर परिषद को कवर करने का, ताकि लोगों तक जो मोदी जी की योजनाएँ हैं वो सही तरीके से हर घर के अंदर पहुँचें। तो इसके लिए मैंने काफ़ी पब्लिसाइज किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कैंप में आके इसका लाभ उठाएँ। तो इसके अंदर हमने अपर मोहल्ला को कवर किया है, हांडिया मोहल्ला को कवर किया है, हाउसिंग बोर्ड को कवर किया है, टगरा रोड को कवर किया है। अब गीता भवन में भी एक नेक्स्ट कैंप का प्लान है हमारा, सूरजपुर में प्लान है, हिमशिखा में प्लान है, खेड़ा बसौला में प्लान है। तो नेक्स्ट इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें सेवा प्रकोष्ठ की तरफ से सर वैसे तो मोदी जी ने हमारे तकरीबन 36 योजनाएँ दी हुई हैं, जो लोगों को शायद से पता ही नहीं होगा कौन सी 36 योजनाएं हैं, पर हमने फिलहाल 6 से 8 योजनाओं का कैंप लगाया है यहाँ पे, जिसमें मेन हमारा ई श्रम कार्ड बनाना है, साथ में शगुन योजना जो कन्याओं के लिए है, सुकन्या योजना भी कन्याओं के लिए है, इसमें एक उज्ज्वला योजना है जिसमें हम फ्री गैस सिलेंडर देते हैं, उसमें कुछ मिनिमम चार्ज रहता है, तो जिसका कोई गैस कनेक्शन ना हो उनके लिए देते हैं।